रिकॉर्डिंग का मैसेज सबके पास आ गया बच्चों? यस यस। ओके चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, चल आगे बढ़ते हैं। अब ओके फाइन, अब देखो हमने मास परसेंट पढ़ा, ठीक है ना, सेकेंड मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया, एंड थर्ड आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोलारिटी के बारे में, ठीक है ना, मोलारिटी के बारे में। अब देखो जी, अब देखो जब हम टेक्स्ट बुक की बात करते हैं या फिर एनसीईआरटी के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको दिया जाता है। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला दिया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ इस फॉर्मूले को भी आ सकते हैं, एक सिंप्लीफाइड वर्जन भी बना सकते हैं। गुड इवनिंग नियति बेटा, गुड इवनिंग बेटा। सो अब देखो, अब इसको कैसे ब्रेक डाउन करें, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करके देखो, सबसे पहले तो हमें पे कैपिटल एम क्या होता है, उसका सिंबल होता है, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे मास अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, जो भी होगा वो हम लिखे, ठीक है ना। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। अब देखो मैंने ऊपर 1000 क्यों लिखा, नीचे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स, क्या लिखा है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स। अगर मांग के चलते हैं, अगर मांग के चलते हैं वहां पे लीटर्स नहीं हो, क्या हो, वॉल्यूम इन एमएल हो, वॉल्यूम इन एमएल हो, तो हम क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको भी हम क्या सकते हैं सिंपल फॉर्म कैसे सकते हैं, ऐसे ऐसे देखो क्या लिखा है मास सॉल्यूट, तो क्या उसको लिखो मैं स्मॉल एम इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट है, तो यहां पे लिखता मैं एम डब्ल्यू टी मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन एमएल। ये क्या था, जब मैं 12th में था तो हमारे सर हमको ऐसे बताते थे, तो क्या होता था हमें बहुत इजीली उसको याद करने का रहता था। हाय गुड इवनिंग पायल। सो ये एक अच्छा सा मेथड है किसका, मोलारिटी फाइंड आउट करने का। तो इस वाले फॉर्मूले में कोई डाउट है नहीं ना, समझिए बच्चा ये वाला। सर जो हमें अगर हमें वॉल्यूम एमएल में दिया होगा तब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर मास से? नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं, आपको वॉल्यूम को हमेशा लेना ही पड़ेगा। ये जो मॉलिक्यूलर वेट है ना, ये वाला मॉलिक्यूलर वेट, ये वाला पार्ट जो बोल रहा हूँ, ये तो आपका सॉल्यूट का है, ये आपका क्या, आपका सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है। जैसे मैं अगर मैं लेता हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ 2 ग्राम NaCl, जी जी मैं डोंट वरी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन हम क्वेश्चन करें तो आप समझ जाओगे। क्या हमने देखा था कि जैसे आपने लिया 2 ग्राम NaCl, है ना, तो 2 ग्राम क्या उसका मास है ना। अगर मैं बोलूँ आपका NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सोडियम का होता है 23 एंड क्लोरीन का होता है 35.5, ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा। ठीक है बच्चा, ये हम देखते हैं, कोई बात नहीं। ये भी देखो कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको बोलता हूँ उसको ध्यान दो, बाकी हम नॉर्मल कर सकते हैं, कुछ वापस मैं स्मिक कर दूंगा जब टाइम हुआ नहीं, ठीक है ना। अब देखो जो हमारा मोलारिटी है, कभी कभी है ना उसको बुक के अंदर ये भी लिखते हैं, कौन सा मोलार, क्या बोलते हैं, मोलार बोलते हैं, मोलारिटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे आपको, मोलार बोलेंगे, हाँ, या फिर उसे क्या बोलेंगे, फाइंड कंसेंट्रेशन, फाइंड कंसेंट्रेशन, ऐसे भी कभी कभी बोलेंगे। तो जब भी कोई भी क्या हो, अगर ये दिया हो या मोलार दिया हो या मोलारिटी दिया होगा, आपको क्या करना है, आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है ना। वापस बता रहा बच्चों फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो ध्यान से देखो, मोलारिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो उसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स। हमने अभी क्या किया, हमने उस जो फॉर्मूला लिखा है उसको हमने क्या किया, एक शॉर्ट सिंपल फॉर्म बना दिया। कैसे किया देखो, मैंने जो आपका ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, क्या दिया आपका, ये नंबर ऑफ मोल्स जो लिखा है ना, उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने सिंपलीफाई में बना लिया, मतलब सिंपल बना दिया। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, आप है ना, ये बोलोगे, सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास लिखोगे, अगर अगर आपका कोई मॉलिक्यूल होगा या कंपाउंड होगा तो आप क्या लिखोगे, उसका मॉलिक्यूलर मास, है ना, मॉलिक्यूलर मास लिखोगे, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। अब देखो फिर मैंने क्या चेंज किया, यहाँ पर क्या दिया है, कलर में लिखता हूँ, अब यहाँ पे क्या लिखा है आपको देखो,
यहाँ पे लिखा आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, क्या लिखा आपका, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर लिखा है, ठीक है ना। अब देखो लीटर बोला है मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है, वॉल्यूम इन एमएल लिखा है, क्या लिखा मैंने, वॉल्यूम इन एमएल। मोस्टली क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन में आपका वॉल्यूम एमएल में दिया होता है, इसलिए मैंने क्या कहते हैं ऑटोमेटिक ऊपर मैंने 1000 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, ऊपर मैंने 1000 मल्टीप्लाई कर दिया। तो यह हमारे किसका फॉर्मूला है, यह हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। और एक बात वापस बता रहा हूँ, जो मोलैरिटी है उसका सिंबल होता है कैपिटल एम, है ना। कभी कभी क्या करते हैं, मोलैरिटी को मोलार भी लिखते हैं, ठीक है ना, या तो फाइंड कंसेंट्रेशन बोलते हैं, दोनों का मतलब क्या आपका सेम ही है, ठीक है ना। और एक बात हमको, और एक बात ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम मोलैरिटी के बारे में बात करते हैं, जब हम मोलैरिटी के बारे में बात करते हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं टेम्परेचर, अगर हमको क्या कर रहे हैं टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा, हमारा मोलैरिटी भी क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। आपका मतलब बता सकता है क्या चेंज हो क्यों रहा है करके। हाँ सर वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा टेम्परेचर इंक्रीज होने से। एकदम परफेक्ट, एकदम सही बोला आपने, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात यह है, अगर कोई भी चीज के अंदर, कोई भी फॉर्मूला के अंदर क्या आ रहा है आपका वॉल्यूम का फैक्टर आ रहा है, क्या आपका आ रहा है वॉल्यूम का फैक्टर आ रहा है, तो क्या होगा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा आपका टेम्परेचर, आपका वॉल्यूम भी चेंज होगा। कैसे पता चला, आप बोल सकते हैं आपका आइडल गैस इक्वेशन कौन सा होता है, पीवी इक्वल टू एन आर टी, एनआरटी है ना। अगर आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या आपका है एक आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या, मतलब कि समझो ना कहने का मतलब, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा आपका वॉल्यूम भी क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा, समझ गया ना। तो इसलिए क्या होगा, जो भी फॉर्मूला में बच्चा एक एक इस फॉर्मूला में नहीं, जो भी फॉर्मूला में आप क्या होगा आपका, अगर आपके वहां में वॉल्यूम आ रहा है तो क्या होगा वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा, समझ गया बच्चा वाला पार्ट, कोई दिक्कत। सर ओके अब देखो अभी हम करते हैं क्वेश्चन, करते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है हम उसको करेंगे, ठीक है चल। क्या बच्चों सभी को ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्या बच्चों सभी को क्वेश्चन दिख रहा यस सर है। अब देखो बहुत बढ़िया, यस अब सर देखो बच्चों जी, अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन अ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सोल्यूशन। हमें क्या बनाना है, 250 ml का सोल्यूशन बनाना है। तो जो गिवन है उसको देखते हैं, क्या गिवन है आप बोलो, गिवन आपका है 4 ग्राम NaOH, है ना। आपका वॉल्यूम कितना करना है, आपको वॉल्यूम बनाना है 250 ml का वॉल्यूम बनाना है, है ना। ओके ये बना है। अभी क्या चीज, अभी हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आप बोलोगे, कैपिटल एम इज इक्वल टू मास सल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट इन 2000 यस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर 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 मास, हाँ ये तो मॉलिक्यूलर मास लिख दो, मॉलिक्यूलर मास लिखो, मॉलिक्यूलर वेट लिखो, दोनों का मतलब सेम है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन एमएल, ये हमें दिया गया, ठीक है ना। अब देखो अभी हमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, आप बोलोगे 4 ग्राम, कितना दिया आपका 4 ग्राम दिया, तो क्या करोगे यहाँ पे लिखोगे 4 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, वो तो आपको ऊपर आ गया। ओके वॉल्यूम कितना दिया आपको बनाना है, आपको आप बोलोगे 250 ml, तो क्या आपने क्या लिखा यहाँ पे 250 ml, आप लिखा कितना लिखा आपने यहाँ पे 250 ml लिख दिया, है ना। हमारे पास क्या नहीं है, मॉलिक्यूलर मास नहीं है, तो वो तो निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, एन ए ई एच 40 23 40 प्लस 16 प्लस 1, तो कितना आपका आया, आपका आंसर आ गया 40 40 40 ग्राम पर, कितना ये आपका मास आ गया, तो यहाँ पे 40 लिख दिया। सॉल्व करो बच्चे फटाफट, क्या आंसर आ गया जल्दी निकालो, 0.4 फोर 0.4 0.4 0.4 0.4 ओके, तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर आ गया 0.4 मोलर, कितना आ गया 0.4 मोलर आ गया। तो यहाँ पे इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को बच्चों, किसी बच्चे को भी वाला पार्ट में नहीं ना आपका, नो चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो अभी हम आते हैं इसके बारे में, अभी हम आते हैं नॉर्मलिटी के बारे में, है ना। ये जो नॉर्मलिटी वाला फैक्टर है ना, ये आपका टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं दिया है, एनसीईआरटी के अंदर आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, लेकिन आपका मैं बोलूंगा कभी कभी नीट के अंदर क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मलिटी के बारे में, लेकिन बहुत सिंपल है, आप इजिली कर सकते हैं वाला पार्ट, ठीक है ना। तो मैं एक बार यहाँ पे क्या करता हूँ, डबलिंग करता हूँ,
चलिए ओके। अब देखो नॉर्मलिटी फॉर्म में भी होता ऑलमोस्ट सेम ही होता, लेकिन वहां पे एक टर्म आ जाता है, कौन सा, ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। हाँ अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं ऐसे सकता हूँ, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, सेम फॉर्मूला है, सेम ही फॉर्मूला है जैसा मोलरिटी है, मास ऑफ सोल्यूट इंटू थाउजेंड, थाउजेंड क्यों लिख रहे बच्चों, थाउजेंड क्यों लिख रहा हूँ, अगर आपका वॉल्यूम लीटर को एमएल में, एमएल में लिया तो अगर क्वेश्चन में आपका लीटर में दिया ना तो ऊपर थाउजेंड मत लिखना, ठीक है, थाउजेंड मत लिखना, ठीक है ना। चलिए अब देखो उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड किया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका आता है ग्राम इक्विवेलेंट मास, क्या आता है आपका, आपका आता है ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन एमएल, इनटू वॉल्यूम इन एमएल, है ना। अब मेन बात यह है कि हमें ग्राम इक्विवेलेंट मास हमें फाइंड आउट कैसे करना है, हमें ग्राम इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया आपको, ये वाला पार्ट दे दिया, क्या, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंस फैक्टर के बारे में, लेकिन ये होता क्या है, ये होता क्या है, इसलिए हम करते हैं, इसलिए हम एक टेबल जाता टेबल पर जाते हैं। ओके ये टेबल दिख रहा है, क्या टेबल सभी को दिख रहा है प्रॉपरली, यस सर, यस सर, यस सर। जी नहीं आती कुछ पूछे बट नहीं, नहीं थी कुछ पूछने, ठीक है चलिए। अब नो देखो सर, नो सर। कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर, हाँ अभी हम क्या निकालेंगे, अभी हम निकालेंगे इक्विवेलेंट, क्या निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास, क्या निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो उसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था, उसका फॉर्मूला हमने देखा था मोलर मास, मोलर मास या मोलिकुलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंस फैक्टर ना, ये हमने देखा था, मतलब एन हम निकाल, मतलब कि एन एन के वैल्यू को निकालना है, इक्विवेलेंस फैक्टर निकालना है। अब देखो ये होता क्या है, अगर मैं बोलूं, अगर हम एसिड के बारे में बात करते हैं, कोई भी हम एसिड के बारे में बात करते हैं, तो जब हम एसिड के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में कौन सा बेसिक एसिड सबसे पहले आता है, आप बोलोगे HCl, है ना, ये आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, फिर आपका आता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आता है ना, फिर आपको कौन सा आता है, फिर आप बोलोगे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3 आता है ना, ये मोस्ट उसका एसिड के बारे में बात करते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, इन सारे एसिड को क्या करेंगे पानी में डिसोल्व करेंगे, क्या करेंगे पानी में डिसोल्व करेंगे। अब मान के चलो जैसे ही मैंने HCl को क्या किया, मैंने पानी में डिसोल्व कर दिया, तो क्या होगा उसमें से क्या आयन निकलेंगे, आप बोलोगे उसमें से H प्लस निकलेगा और आपस Cl माइनस निकलेगा, है ना, Cl माइनस निकलेगा। ओके जब भी आप H2SO4 को डिसोल्व करोगे तो क्या निकलेगा, आप बोलोगे उसमें से दो एच प्लस निकलेगा और क्या निकलेगा, एक सल्फेट आयन SO4 माइनस निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा। जब आप HNO3 करोगे तो क्या होगा, आप बोलोगे वहां से एक एच प्लस निकलेगा और आपका NO3 माइनस, ये आपका नेगेटिव आयन बनेगा, ठीक है ना। अब देखो देखने वाली बात यह है कि जितना आपका एच प्लस निकलेगा ना वो क्या होगा, आपका इक्विवेलेंस फैक्टर हो जाएगा। अब देखो अगर मुझे एसिड के लिए, अगर मुझे HCl, अगर मुझे HCl के लिए उसका ग्राम इक्विवेलेंस, हमको उसका ग्राम इक्विवेलेंस मास चाहिए, यानी क्या चाहिए हमें, ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है अगर हमें, तो हम क्या करेंगे। अब देखो HCl का क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे, तो कितना होता है 1 + 35.5, तो कितना आंसर आया बच्चों, आप बोलोगे थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव है ना, ये किस का, ये मोलर क्या इसका, ये इसका मोलर मास है, ये क्या इसका मोलर मास है ना। अब देखो हाँ अगर मैं इसी का HCl का ग्राम इक्विवेलेंट वेट फाइंड करूं तो क्या होगा, आप बोलोगे फॉर्म में क्या होता है, मोलर मास अपॉन आपका इक्विवेलेंस, आपका आएगा बेसिसिटी, ये आपका फॉर्मूला होता है, मतलब कि एसिड कितना एच प्लस रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। या फिर आप निकलो यहाँ पे, आप नॉर्मल क्या लिखो, फॉर्मूला मत देखो, यहाँ पे लिख दो यहाँ पे नंबर ऑफ एच प्लस रिलीज, तो ये ज्यादा बेटर होगा, तो आप इजीली याद कर पाओगे, ये बेसिसिटी एसिड करे तो आप भूल जाओगे, तो उसको मत देखो, नंबर ऑफ एच प्लस रिलीज। अब देखो मोलर मास कितना है, आप बोलोगे 36.5, राइट, ये हमने निकाला। जब हम एसिड को डिसोल्व करते तो कितना एच प्लस निकल रहा है बच्चों, कितना एच प्लस निकल रहा है, एक, एक तो यहाँ पे क्या आएगा, वन आ जाएगा, वन क्या आएगा, वन आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि HCl का मोलर जो जो उसका मॉलिक्यूलर मास है वही उसका क्या, आपका ग्राम इक्विवेलेंट मास है ना। तो आप ये बोल सकते हो
HCl के लिए उसका मोलर मास, उसका मोलर मास एंड ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या आपका दोनों का सेम ही है, क्या दोनों का सेम ही है, क्यों? उसका डिवाइड बाय क्या होगा, वन आ जाएगा, है ना? क्यों, कितना कितना स्पष्ट निकल रहा है? आप बोलोगे एक ही एच प्लस निकल रहा है। समझ गया बच्चा वाला पार्ट? किसी डाउट यहाँ पर? पक्का सबको, सभी को प्रॉपरली समझ मा रहा है वाला पार्ट? प्रॉपरली रुशिल, रुशिल आपको समझ मा रहा है बेटा वाला पार्ट अच्छे से? टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, ठीक है? ओके चलिए, अब देखो, अब देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं किसकी किसकी बात कर रहा हूँ अभी, मैं अब मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करता हूँ। अब देखो, अभी हमें ये दिख रहा है सल्फ्यूरिक का, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? आप बोलोगे 98। कितना आया का? 98 ग्राम पर मोल आया। लेकिन जब मैं उसको क्या कर रहा हूँ, पानी में डिसोल्व कर रहा हूँ, तो कितना एच प्लस निकल रहा है? कितना निकल रहा है? टू एच प्लस निकल रहा है ना, टू एच प्लस। तो जो भी मेरा आंसर आएगा, तो आप ये बोलोगे उसका किसका सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे, मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ एच प्लस आयन रिलीज्ड। तो क्या होगा, 98 डिवाइड बाय 2, क्या आएगा 98, तो आपका कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 49, है ना? इसका मतलब, हाँ इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि H2SO4 का, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास क्या दोनों का अलग अलग है, सेम नहीं है। क्यों? उसके कितना एच प्लस निकल रहा है आपका? 2 एच प्लस निकल रहा है। समझ गए बच्चा वाला पार्ट, ये वाला प्रॉपरली सभी को आ रहा है वाला? ओके, अब देखो, अभी इसका मैं दूसरा टेबल भी मैंने बनाया, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब देखो ये दिख रहा है वाला पार्ट? यस सर। अब देखो, अभी देखो मोस्टली क्या होता है ना एग्जाम में, ये दोनों तो नहीं पूछते, ये वाला पार्ट तो नहीं पूछते, लेकिन ये पूछ लेते हैं, ये है क्या? इसको हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं बच्चा ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक, हाँ। अभी ऑक्सैलिक एसिड का वैल्यू 2 कैसे आया, तो कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब देखो इसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो ना क्या लिखा था, ध्यान दो, H2C2O4, है ना, इसको हम बोलते हैं। अब देखो इसमें आप लिख रहा हूँ, समझना अच्छे से कैसे वैल्यू 2 आ रहा है, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O O H, C डबल बॉन्ड O O H, तो ये क्या होता है, ये आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है। क्या होता है आपका? ऑक्सैलिक एसिड होता है। इसका स्ट्रक्चर देखो, अब यहाँ पे देखो कितना कार्बन है आपका, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन आ गया, यहाँ पे 2 कार्बन आ गया, है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गया, और कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, वो भी आपका आ गया, ठीक है ना? अब देखो जैसे मैंने क्या किया, इसको पानी में डिसोल्व किया, जैसे मैंने क्या किया, इसको पानी में डिसोल्व किया, तो क्या हो रहा है, आप ये बोलोगे यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एच प्लस मतलब कि ओ माइनस बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा, एच प्लस निकल जाएगा। सिमिलर यहाँ पे ओ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एच प्लस निकल जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो एक कंपाउंड से या फिर एक मॉलिक्यूल से कितना एच प्लस निकल रहा है बच्चा, 2। कितना निकल रहा है? 2 हो रहा है। सॉरी बच्चा, सॉरी सॉरी, कॉल आ गया मुझे, सॉरी। ओके चलिए फाइन, तो कितना आएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आएगा 2 आएगा। समझ गए वाला पार्ट? ओके, तो 2 कैसे आ रहा आपको पता चलेगा ना, क्या इसके, हाँ ठीक है ना। ओके अब देखो सिमिलरली, अच्छा ये बताओ इन दोनों में से मुझे बताना किसी का, बता दो तो मैं आपको बता दूंगा इसका हेल्प, इसका बता दो मैं, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। यस सर। ओके अब देखो, अभी इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फरस। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फरस। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसको मैं इसमें सबसे मैं छोटा बना छोटा कर लेता हूँ, तो क्या थोड़ा सा इजी होगा आपको देखने के लिए। ओके चलिए अब देखो, सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ आपका, कौन सा बना, बताओ आप ही, बता दो मैं आपको कर देता हूँ। ओके पीओ फोर वाला, ठीक है, हाँ फोर वाला देखते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, H3PO4 ये आपका लिखा है ना, तो कितना है, 3 हाइड्रोजन है, 1 फॉस्फरस आपका, 4 ऑक्सीजन है ना। अब देखो इसे कुछ बेसिक स्टेप्स आपको पता होना चाहिए, जब भी आप लोग ऑक्सो एसिड वाला पार्ट होगा ना, तो आपका सिंपल एक ट्रिक होता है, वो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले क्या करोगे, फॉस्फरस की बात करोगे, तो फॉस्फरस का कितना बॉन्ड बनता है, फॉस्फरस 5 बॉन्ड बनाता है, कितना बनता है, 5 बॉन्ड बनाता है। तो देखो कैसे करोगे,
सर क्या लिखो, फर्स्ट फर्स्ट देखोगे डबल बॉन्ड ओ, क्या हो गया आपने डबल बॉन्ड ओ लिख दिया। फिर क्या लिखा आपने यहाँ पे, लिख दिया ओ एच, कितने लिख दिया आपने ओ एच लिख दिया। तो यहाँ पे देखो एक फॉस्फरस आ गया, दो ऑक्सीजन आ गया और एक हाइड्रोजन आ गया। अब क्या बोलोगे आप, अभी आप ये बोलोगे सर दो ऑक्सीजन बचा है और आपका दो हाइड्रोजन बचा है, राइट बच्चा, एकदम सही है, ठीक यस है। सर, ओके यस तो अभी अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं क्या सर, करूंगा, यहाँ पे, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाऊंगा, यहाँ पे लूंगा ओ एच, यहाँ पे और एक बॉन्ड बनाऊंगा, लिखूंगा मैं यहाँ पे ओ एच, ठीक है। अब देखो क्या मेरा फॉर्मूला बन रहा है H3PO4 का, हाइड्रोजन तीन है तो एक दो यस तीन, फॉस्फोरस एक है, सर, वही बन रहा है, वही यस बन रहा है। अब देखो, अब सर, जैसे ही मैंने क्या किया, जैसे मैंने क्या किया, इसको पानी में डाल दिया, जैसे मैंने इसको पानी में डाल दिया तो क्या होगा, यहाँ से क्या निकला, यहाँ से माइनस और यहाँ पे प्लस, माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, मतलब कितना निकल रहा है आपका, तीन, कितना निकल रहा है आपका, तीन एच प्लस निकल रहा है। उसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई तीन। समझ गया बच्चा कैसे हमने किया वाला पार्ट अच्छे से, नो डाउट। सर, नो सर, ओके नो सर, वेल वेल, बहुत अच्छी बात है। हाँ शगुन बेटा, हाँ बोले शगुन, सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। कौन सा वाला पार्ट बेटा, कौन सा वाला पार्ट एक्सप्लेन करूँ, आप बताइए। सही यही वाला। अच्छा ये वाला एक्सप्लेन करो। अच्छा, एचसीएल वाला पता चला, एचसीएल वाला पता चल गया शगुन, तो क्या आई थिंक पता चल गया, ओके ना। अब देखो बच्चा होता क्या है, हम अभी हम क्या निकल रहे हैं, हम एन की वैल्यू फाइंड निकल रहे हैं, मतलब कि हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन, एन मतलब क्या, उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी। अभी एसिड है तो क्या होगा उसकी, उसकी क्या आएगी आपकी बेसिसिटी आएगी। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे एन फैक्टर, यहाँ पे देखो क्या एन फैक्टर क्या लिखा है, एन फैक्टर ऑफ एसिड दैट इज इक्वल टू बेसिसिटी, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ एच प्लस आयंस पर मॉलिक्यूल इन द बेसिस ऑफ एसिड, मतलब कि एक एक मॉलिक्यूल कितना एच प्लस रिलीज कर सकता है एक्वस मीडियम के अंदर, पानी के अंदर एक मॉलिक्यूल कितना एच प्लस रिलीज कर सकता है, वो क्या हो आपका, वो उसकी एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या आएगा, उसमें एक वैल्यू आएगी, उसमें एक ही एच प्लस निकल रहा है, कैसे, एच प्लस और सी एल माइनस, कितना आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ एक ही एच प्लस आ रहा है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ H3PO4 के बारे में तो क्या होगा, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आपको सबसे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो जिसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो आप क्या देख पा रहे हो, जैसे मैंने इसको पानी में डाला तो क्या हो रहा है, इसमें इसमें कितना निकल रहा है, यहाँ पे एक एच प्लस निकल रहा है, यहाँ पे दो एच प्लस निकल रहा है और यहाँ पे कितना, तीन एच प्लस निकल रहा है। तो इसकी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी एन की वैल्यू आ जाएगी थ्री, एन मतलब क्या, दैट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड, दैट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड। समझ गया बच्चा भैया प्रॉपर ये वाला पार्ट अच्छे से, यस ओके। ये हमने देखा। अब देखो जब हम कोई बेस के बारे में बात करते हैं, जब हम कोई भी बेस के बारे में बात करते हैं, बेस मतलब क्या, जिसके पास ओ एच माइनस, क्या होगा आपका, ओ एच माइनस एडिक आयन हो, निगेटिव एनायन हो। तो अब क्या बोलो, अब देखो जैसे मैं बात करूं आपको, जैसे मैंने बोला आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे बोला आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे के ओ एच, या फिर क्या होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या होगा, एन ए ओ न्यू एच, ओके। तो जैसे आपने इसको इसको पानी में आयोनाइज करने की कोशिश किया तो आप क्या बोलोगे, इसमें से क्या निकल रहा है, आप बोलोगे यहाँ पे के प्लस निकलेगा, हाँ अच्छा ठीक है, ओके ओ एच माइनस निकलेगा। सिमिलरली एन ओ एच में क्या होगा, एन ए प्लस निकलेगा और आपका ओ एच माइनस निकलेगा, है ना, ओ एच यहाँ पे माइनस निकल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना एच प्लस ओ एच माइनस निकल रहा है, आप बोलोगे वन। तो उसी क्या होगी, तो यहाँ पे क्या देखो, देखो एन फैक्टर ऑफ बेसिकली दैट इज एसिडिटी, दैट इज नंबर ऑफ आयनाइजेबल ओ एच माइनस पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। तो क्या होगा, एन एच में कितना निकल रहा है, एक निकल रहा है, इसलिए क्या होगा, इसमें एक आएगा। जब मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूँ, जब मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करता हूँ, उसका फॉर्मूला कैसे होगा, आप ऐसे बोल दैट दैट इज एम जी एमजी ओ एच होल ट्वाइस, आप ऐसे लिखोगे। तो इसको मैं जब मैं आयन तो कैसे लिखूंगा मैं, आप बोलोगे एम जी टू प्लस एंड टू ओ एच माइनस, ऐसे लिखोगे। तो यहाँ पे कितना ओ एच माइनस निकल रहा है, आप बोलोगे दो ओ एच माइनस निकल रहा है ना, दो दो निकल रहा है। सिमिलरली अगर आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हो, किसकी बात करते हो,
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करते हो तो क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे क्या होगा, एल्यूमिनियम 3+ एंड TOH-, क्या होगा 3 OH, तो कितना हो रहा है, 3 निकल रहा है बस, इसकी वाली इसलिए क्या, इसकी वाली 3 आ गई। हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम उसको डिसोसिएट कैसे कर रहे हैं, अगर ये अगर ऐसा किसी को बच्चा है जिसको ऐसा लग रहा है कि मुझे डिसोसिएट करना समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं बच्चा, कोई इशू वाली बात नहीं है, मैं आपको कल थोड़ा जल्दी जब आ जाओगे ना तो मैं आपको कैसे डिसोसिएट करते हैं उसका ट्रिक भी बता दूंगा, और आप फिर आप कोई भी मॉलिक्यूल को डिसोसिएट कर सकते हो, कोई टेंशन भी बात ही नहीं आएगी। समझ गए बच्चा सबके सब, बढ़िया है, तैयार है? ट्वाइस वाला सर, हाँ क्या बोल रहे बच्चा, हाँ ये प्रीति रिपीट बोलो, कर से। कौन सा वाला, कौन सा वाला? सर यही MgOH ट्वाइस। अच्छा देखो, जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करते हैं ना, तो मैग्नीशियम क्या होता है आपका, उसके ऊपर दो चार्ज, टू टू पॉजिटिव चार्ज आता है, तो क्या होता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या नंबर है, 1, तो क्या होता है ये जो नंबर है ना, ये नंबर इसके पावर में जाता है, मतलब आप ये बोल सकते हो यहाँ पे Mg कितने वैल्यू है, यहाँ पे Mg का एक ही मोल है, मतलब कि एक ही Mg है ना, तो क्या होगा ये जो वैल्यू कहाँ पे जाएगा, इसके पास जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो इसके पास जाएगा, तो पहला लगे होता है, पहला आपका कैटायन होता है, दूसरा आपका एनायन होता है। कैटायन मतलब क्या, जिसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब क्या चार्ज, होगा, जिसमें नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा नेगेटिव। ये वाले दो, ये वाले कहाँ गया, ये वाले यहाँ पे गया, तो उसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे क्या वाला था, यहाँ पे वैल्यू था 1, तो क्या गया यहाँ पे, 1 यहाँ पे गया, लेकिन हमें इक्वेशन बैलेंस भी करना है, तो क्या होगा यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, तो हमें यहाँ पे 2 वैल्यू मिल गया। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा कल जल्दी आ जाना, मैं आपको प्रॉपरली समझा दूंगा कैसे डिसोसिएट करते हैं करके इसको, ठीक है, समझ गए? यस सर, सर यस ऐसा एक्सप्लेन कर दो। यस कौन सा वाला बेटा, कौन सा वाला बेटा, H3PO3 वाला, उसका वाला 2 कैसा है वो वाला? ओके अब देखो, अभी अभी मुझे बच्चे बोल रही है कि H3PO3 वाला, H3PO3 वाला, राइट ये वाला है ना, ठीक है अब देखो, हाँ इसका फॉर्मूला देखते कैसे, सबसे सेम वही करेंगे, कैसे होगा, P डबल बॉन्ड O OH है ना, ये हमारा हो गया, तो कितना आ गया, एक फॉस्फरस आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया, और आपका 2 ऑक्सीजन आ गया, अब कितना OH बचा, अब कितना ऑक्सीजन बचा, आप बोलो एक ऑक्सीजन बचा है, तो क्या होगा यहाँ पे बॉन्ड बना होगा, और आप लिखोगे ओ, और जब भी आपने ओ लिखा तो क्या होगा यहाँ पे OH भी होगा है ना, तो यहाँ पे देखो आपका 2 OH आ गया है ना, और आपका 3 ऑक्सीजन भी आ गया, कितना एच बचा है, एक एच बचा है, तो क्या होगा यहाँ पे होगा एच, यहाँ पे क्या होगा एच होगा। अब देखो जैसे आप इसको पानी में डालोगे ना, तो आपका ये वाला एच क्या होगा, आपका आयनाइज नहीं होगा, क्यों, ये किससे लिंक है, ये आपका फॉस्फरस के साथ लिंक है, कौन सा आपका आयनाइज होता है, जो आपका ऑक्सीजन से, जिस जो आपका ऑक्सीजन के साथ है, तो वो आपका निकलता है, तो क्या होगा यहाँ पे देखो O-H+, O-H+, तो कितना निकल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एक निकल रहा है, यहाँ पे 2, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू 2 आ गया। तो समझ गया बच्चा ये वाला पार्ट कैसा हमने किया, ये वाला है ना, सर एग्जाम में जब, हाँ तो जब भी एग्जाम में ये वाला पार्ट आएगा ना, तो आपको ये वाला पार्ट, आपको मैं बोलूंगा आपको देख लेना, प्रॉपर मेमोराइज करना, थोड़ा ध्यान देना, तो आपको आ जाएगा वाला पार्ट, कोई इशू वाली पार्ट नहीं आएगी, ठीक है ना। अब देखो ओके जी बेटा, अब देखो जब हम बात करते हैं, अच्छा ये वाला पार्ट बिजी है, ये वाला पार्ट थोड़ा देखना, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या होता है ना, डायरेक्ट नीट एग्जाम में पूछ लेते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे आपका पोटेशियम, एक आपका पोटेशियम परमैंगनेट वाला पार्ट, और आपका ये आपका Cr2O7 2- है ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपका Cr2O7 2- से क्रोमियम 3+ बना रहा हो, तो कितना होगा उसमें, 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, वो गेन कर रहा होगा, क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा होगा। अब कैसे पता चले गेन कर रहा होगा कि, अब देखो सबसे पहले आप ठीक इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो है ना, तो जैसे आप इस ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे आपका एक वैल्यू आएगा, जैसे वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, आपको क्या बनेगा, आपका Cr3+ बनेगा। जैसे मैं अगर बात करूँ ये वाला पार्ट MnO4- की बात करूँ, अगर मैं इसकी बात, तो क्या होगा X-X+-2 × 8, तो ऑक्सीजन क्या होता है, -2 होता है, इक्वल टू क्या, ओवरऑल चार्ज कितना है, -1 है, तो क्या होगा एक्स, सॉरी यहाँ पे 4 है ना, 4 है, एक्स नहीं माइनस 8 इक्वल टू -1, तो क्या होगा X=+7, ये वाला यहाँ पे चला गया, तो कितना +7 आ गया है ना। अब देखो हम +7 से हम क्या रहे हैं, हम +7 से कहाँ जा रहे हैं, अब जा रहे हैं हम +2, मतलब कि +7 से +2 जा रहे हैं है ना, मतलब उसने क्या, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्या बना,
आपकी एन के वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो जब भी कोई आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन रिएक्शन है तो उसमें क्या होगा, आपको ये देखना है कितना इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस कर रहे हैं। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है इसके लिए, नीट के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको ये वाला पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट देखो है ना, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट जो हमने अभी निकाला, दैट इज केमर। केमर कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5 कर रहा है। तो हम उससे ग्राम इक्विवेलेंट किस निकालेंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन वैल्यू। एन मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस्ट। तो क्या होगा, इसका 5 आएगा, तो आपका वैल्यू इतना आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट में कोई दिक्कत है, ये वाला पार्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट अच्छे समझना। यस सर। क्या सारे बच्चे समझ गए वाला पार्ट अच्छे से? यस सर। यस यस सर। समझ गए? ओके चलो, बहुत बढ़िया। हम कौन सा वाला था सर? ये एम एन ओ, ये वाला के एम एन फोर वाला। यस सर। ओके अब देखिए यहाँ पे देखो कैसे, 2 मिनट पानी पी लेता हूँ। अब देखो बच्चों कैसा है, बहुत सिंपल है। हमें क्या निकालना है एक्चुअली में, हमें निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। हमें क्या निकालना है बच्चा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्या देखा, मोलर मास है ना, मोलर मास निकालना है अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना पड़ेगा, मतलब अगर कोई एसिडिक मीडियम होगा ना, तो भी एसिडिक मीडियम होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, अभी के लिए आपको याद करना पड़ेगा। जब 12th में जाओगे ना तो आपको ये फॉर्मूला आ जाए, कोई इशू वाली बात नहीं, लेकिन अभी के लिए आपको इस तरह मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर एसिडिक मीडियम है तो आपका ये क्वेश्चन फॉलो होगा, ठीक है ना। और ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आया है नीट के अंदर, तो ध्यान रखने की बात है ना। अब देखो हमें क्या निकालना है, उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो क्या होगा उसका, हमने क्या किया उसका मोलर मास फाइंड कर दिया, उसका मोलर मास फाइंड कर दिया है ना। अब देखो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, 5। इसको 5 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, बस और कुछ नहीं, खत्म। एसिड में क्या होता है, देखो आपका एसिड में H+ देखते हैं, बेस में OH- देखते हैं, और जब अगर आपका उसको रिएक्शन है उसमें क्या देखते हैं, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस देखते हैं। समझ पड़ा वाला पार्ट अच्छे से बच्चों? ओके चलिए, जिसको भी समझ में आप चैट बॉक्स में थम्सअप डाल दीजिए बेटा, तो मैं थोड़ा सा फिर हम थोड़ा आगे कर लेंगे यह पार्ट। चलिए ओके चलिए, अर्चना को समझ में आया, स्वाति को आ गया, बहुत बढ़िया। ओके वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। ओके अब देखो एक क्वेश्चन करेंगे, उस वो क्वेश्चन करने के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नेक्स्ट पार्ट पर जंप करेंगे, ठीक है ना। ओके क्या दिख रहा है क्वेश्चन, अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एकदम। थैंक यू बच्चा, थैंक यू बच्चा। अच्छा और कहाँ गई। ओके सब है यहाँ पर ना, ओके वेरी गुड, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। अब देखो सपोज करो एग्जाम में आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी ऑफ H2SO4 when 98 gram of H2SO4 98 gram of H2SO4 it dissolved enough in water to make it 500 ml of solution, ठीक है ना। मतलब आपको करना क्या है, उसकी मोलरिटी निकाल रही है, उसकी नॉर्मेलिटी निकाल रही है। कब, जब हम 98 ग्राम का डालेंगे H2SO4 डालेंगे पानी के अंदर, और हमें वॉल्यूम कितना बनाना है, हमें वॉल्यूम बनाना है 500 ml के बारे में बना, ठीक है ना। कितना बनाना मुझे, 500 ml बनाना है। अब देखो मैं आपका इसका मोलरिटी वाला पार्ट मैं करूंगा, आप नॉर्मेलिटी वाला खुद करिए, ठीक है ना, अभी करिए, ठीक है। अब देखो मोलरिटी हमने क्या था, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यहाँ पे क्या है आपका H2SO4 आपका सोल्यूट है, कितना ग्राम लिया यहाँ पे 98 ग्राम, तो क्या होगा यहाँ पे 98 ml दिया है ना। अब देखो यहाँ पे क्या वॉल्यूम ml में दिया था, मैं क्या करूंगा ऊपर मैंने 1000 से मैंने मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर दिया, तो डिवाइड बाई
हो गया। उसके बाद उसका H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना होता है बच्चों, अभी हमने देखा था कितना होता है, 98 कितनी आ गई मेरी, आप बोलोगे 2 मोलर, कितनी आ गई 2 मोलर। अब क्या करो, आप इसका नॉर्मल डिफाइंड करिए बच्चा, सर 4 आएगा पक्का, यस सर पक्का 4 आएगा। क्वेश्चन सभी सॉरी विल यस 4 ही आया, कितना आएगा 4 ही आया, कुछ नहीं किया। यहाँ पे देखो जब हम नॉर्मलिटी के बारे में बात करते हैं, ध्यान दो बच्चों, सही बच्चों वाला पार्ट समझ में आया, मोलिटी वाला पार्ट बच्चा, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम नॉर्मलिटी के, नॉर्मल नियति बेटा आ रहा है बेटा समझ में, ओके आई थिंक आई रहा नियति को समझ लिया, थम्स अप लिखा उसने चैट बॉक्स में, ठीक है। अब देखो जब हम नॉर्मलिटी की बात करते हैं तो हमने क्या देखा, नॉर्मलिटी फॉर्म में क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, तो कितना मास ऑफ सॉल्यूट है आप बोलोगे 98 2000। हाँ अब देखो अभी हम क्या फाइंड करते हैं, इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। अब देखो जब हम ग्राम इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं तो फॉर्म में क्या होता है, आप बोलोगे मोलर मास, बोलो बच्चे क्या होता है मोलर मास, बोलो मोलर मास एन मतलब क्या, आप बोलोगे एन उसकी बेसिसिटी, उसकी बेसिस। तो जब हम H2SO4 को पानी में डालेंगे तो कितना H+ निकलेगा बच्चा, आप बोलोगे 2H+ निकलेगा, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो क्या होगा 98/2 क्या होगा 49 आएगा, ठीक है ना, 49, तो यहाँ पे 49 लिख दिया इनटू मैंने यहाँ पे पैन लिख दिया, कुछ नहीं 49 into 2 आपको नॉर्मलिटी कितना आ गया, आपको आ गया 4, समझ गए। तो यहाँ पर कितना आ गया 4, क्योंकि 2 कितना होता है 4 होता है, तो सभी को ये वाला टॉपिक समझ में आ गया, नॉर्मलिटी और मोलिटी क्या हो के बारे में, गलती एकदम बढ़िया चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखो अभी हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट वाले पार्ट की बात करते हैं, है ना, किसकी बात करें, लास्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। अब देखो लास्ट वाला जो पार्ट है उसका नाम क्या बच्चों, क्या लिखा है पे, मोलालिटी। जी बेटा बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें निकालना क्या है, मोलालिटी निकालना है कि मोलारिटी निकालना है। अब देखो सबसे पहले हिंट क्या होगा, देखो सबसे पहले ध्यान देना आपको इसका सिंबल, इसका सिंबल होता है आपका स्मॉल एम, क्या होता है उसका स्मॉल एन होता है, क्या होता है स्मॉल एम होता है, समझ गए बच्चा। अब देखो यस सर, उसका ये देखो कभी कभी क्या होना एग्जाम के क्वेश्चन क्या होता है, मोलालिटी नहीं बोलेंगे आपको, क्या बोलेंगे आपको, बोलेंगे मोलल, क्या बोलेंगे मोलल, मोलल फाइंड करने बोलेंगे, है ना, क्या लिखा मोलल फाइंड करने बोलेंगे, तो मोलल लिखे हो या स्मॉल एम लिखो, तो आपको निकालना क्या, आपको एक्चुअली में निकालना है मोलालिटी निकालना है। अब देखो इसका फॉर्म हम कैसे बनेंगे बच्चों, अब देखो यहाँ पे स्मॉल एम इक्वल टू, अब देखो लिखा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म में क्या होता है, कौन बताएगा बच्चा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे मास, मास एकदम सही, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये लिखा। अब देखो नीचे क्या लिखा यहाँ पे मास, अब देखो ये ऊपर वाला पार्ट हमने कर दिया, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये डिनोमिनेटरी पार्ट, ये डिनोमिनेटर पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है सब समझो बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्या लिखा है मास ऑफ सॉल्वेंट केजी। अब देखो अगर आप क्वेश्चन में क्या दिया होगा, अगर आपका क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्वेंट क्या देगा, अगर ग्राम में दिया होगा तो क्या करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ, ओके समझ गए, क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना, तो आपको ये वाला पार्ट आपको ध्यान देना है। अब देखो ये वाला पार्ट इस साल की, इस साल जो आपका जो नीट एग्जाम ये क्वेश्चन आया था, देखो यहाँ पे देखो दिखा रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है देखो, यस सर, यस सर, क्वेश्चन क्या लिखा, देखो इन 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेन 0.5 मोल सॉल्यूट देयर आर डैश, क्या लिखा है आप ऑप्शन पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पे देखो ऑप्शन पढ़ो, 1000 ml 1000 ग्राम 500 ml 500 ग्राम 100 ml सॉल्वेंट, नहीं समझो बच्चा समझो अच्छे समझो, सबसे देखो सबसे देखिए फॉर्मूला,
फॉर्मूला क्या होता है आप देखोगे, एम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इन टू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ग्राम या केजी, ग्राम या केजी। अब देखो, अभी आप क्वेश्चन को देख, अगर आपको फॉर्मूला पता भी है ना, तो आप देख के क्या करते हो, दो क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? अब देखो, अगर मास है, अगर मास है तो उसका यूनिट क्या होगा, या तो ग्राम होगा या तो किलोग्राम होगा। यहाँ पे लिखा है ml लिखा है, तो ये वाला तो नहीं आएगा, ml तो आएगा ही नहीं, है ना। yes. ml तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे लिखा है ml, तो ये वाला पार्ट भी नहीं आएगा। तो बचा कौन सा, 2 and 4 बचा ऑप्शन। यहाँ पे क्या दिया, तो बच्चों क्या दिया आपको, ग्राम दिया, यहाँ पे ग्राम दिया, और यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, क्या कहता है फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला में क्या था, फॉर्मूला में क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ लिख दो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम था ना, तो ग्राम ही होना चाहिए, एमएल नहीं होना चाहिए। अगर आप एमएल लिखते हो तो उसका मतलब क्या होता है, वो तो आपका वॉल्यूम हो गया, वो तो आपका वॉल्यूम हो गया, वो तो होगा ही नहीं, है ना। अब देखो सिंपल सिंपल, अब देखो, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 0. क्या दिया आपको क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में दिया है 0.5 मोल, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो वैल्यू, ये पूरे पार्ट, ये पूरा पार्ट की वैल्यू कितना दिया आपको, मास अपॉन, इसकी वैल्यू कितना दिया आपका, 0.5 दिया है। एम, एम इक्वल टू कितना दिया आपका, 0.5 इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, है ना। अब क्वेश्चन में क्या दिया आपका, क्वेश्चन में दिया आपको, दिया है क्या दिया आपको, 1 मोल, कितना दिया आपका, 1 मोल, क्या बोला, क्या 1 मोलर सॉल्यूशन। देखो ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, क्या लिखा है, मोलल, क्या बोला है, मोलल दिया है, है ना। अगर मान के चलो क्वेश्चन ऐसा दिया होता 1 मोलार, तो वहां पे क्या होता, वहां पे आपका होता मोलारिटी, क्या होता आपका, मोलारिटी होता। लेकिन क्या दिया पे, मोलल दिया है, तो मोलल मतलब क्या होता है, मोलारिटी होता है, समझ। यहाँ पे ध्यान देना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया आपका, 1 दिया, तो क्या मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 1 इक्वल टू 0.5 इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ग्राम, ये वाला पार्ट ऊपर चला गया, ये 1 नीचे आ गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 500 ग्राम। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन जो आपका 4 है वो आपका राइट आंसर है। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 0.5 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1, ये जो मैंने 1 था यहाँ पर, इसकी जगह क्या लिखा, इसकी जगह 1 आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया आपका, 1 मोलर दिया है, तो नीचे आ गया, तो आपका आंसर आ गया। वैसे समझ गया ना बच्चों कैसे हमने किया, सारे बच्चे अच्छे से समझ गए, कोई डाउट किसी को, प्रॉपरली प्रॉपरली समझ गए, आरती, अदिति, अनामिका, आंचल, अंजलि, अर्चना, अविनाश, चेतना, दीक्षा, गुंजन, हीना, केतकी, मनीषा, मुस्कान, मोहिनी, सब प्रॉपरली समझ गए ना, प्रॉपरली, ओके, ठीक है ना। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है ना, एग्जाम में इतना हाईफाई नहीं आएगा, आपको खाली ये पता होना चाहिए कहाँ पे हम गड़बड़ कर रहे हैं। वापस बोल देखो, अभी हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ये लास्ट ही फॉर्मूला था, वापस बता रहा हूँ आपको क्या मेन चीज को ध्यान देना है। सबसे आपको ध्यान देना है नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको आना चाहिए इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना आना चाहिए। उसके बाद क्या करना आना चाहिए आपका, मोलालिटी और मोलालिटी में डिफरेंस, या हाँ और एक इंपॉर्टेंट बात है लिमिटिंग रीजन, लिमिटिंग रीजन, ये आपको आना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, पक्का आते हैं। चैप्टर भी खत्म हो गया और ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अच्छा बताओ बच्चों, इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को शॉर्टकट था करने का, सिर्फ वो बताना एक बार। हाँ डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा। अभी एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने सारे पार्ट कर लिया क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, डोंट वरी। अब देखो ये आपका एनसीईआरटी का वाला पार्ट है, ये आपका एनसीईआरटी का, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछ सकते हैं, सेम बिट्टू, खाली वैल्यू चेंज कर देंगे, आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा बस, ये भी सिंपल ही है। 2 मिनट, ओके। तो हमने आज हमने क्या पढ़ा,
अच्छा बताओ कौन मुझे बता आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा मोलैरिटी के बारे में, नॉर्मैलिटी। हाँ इम्पोर्टेंट वाला पार्ट कौन सा था? इम्पोर्टेंट वाला पार्ट था आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना, है ना। वो आपको ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, अगर बोलू ये वाला जो पार्ट है ये आपका इम्पोर्टेंट है। क्यों? आपको पता चलना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या क्या आएगी, एन की वैल्यू क्या क्या आएगी, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखो ये हमने क्वेश्चन कर लिया, ओके। अभी हम करते हैं, हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला भी देख लिया है ना। अभी हम करते हैं ये क्वेश्चन करते हैं ना, हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन करने का। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया, ध्यान दो बच्चों क्या दिया है, जो दिया है हम उसे उसको देख करेंगे, ठीक है ना। वाला पार्ट अब देखो क्या दिया यहाँ पे, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी फाइंड करने बोला है। तो क्या फॉर्मूला था उसको वो पहले लिखो, क्या था, हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए इनटू 1000 चाहिए होगा, डिवाइड बाय मोलर मास चाहिए ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, इतना हमें चाहिए, इतना हमें चाहिए, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या, हम वो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में दिया आपका डेंसिटी, डेंसिटी कितने दिया क्वेश्चन के अंदर, आपका दिया है 125 ग्राम पर एमएल, ये इसकी डेंसिटी दी गई है, ठीक है ना। क्या इसकी डेंसिटी दी गई है, ओके। और क्या दिया आपका, एनएसएल दिया है। सबसे पहले आते हैं एनएसएल का वेट निकालते, कितना आएगा 23 प्लस 35.5, तो कितना आया 58.5 ग्राम पर मोल आ गया, है ना, ग्राम पर मोल। मतलब हमें क्या मिल गया, हमें इसका मोलर मास मिल गया, हमने इसका क्या मिल गया, इसका मोलर मास मिल गया। थाउजेंड को चेंज नहीं करना, अभी हमारे पास क्या चीज नहीं है, क्या चीज नहीं है हमारे पास, ये वाली चीज नहीं है, मास ऑफ सॉलिड हमारे पास नहीं है, हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास नहीं है, है ना। अभी हम ये कैसे लेके आएंगे, अभी हम ये वाला पार्ट कैसे लेके आएंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया यहाँ पे थ्री मोलर, क्या बोला आपका, थ्री मोलर सोल्यूशन ऑफ एनएसएल, थ्री मोलर, मोलर मतलब क्या, मोलारिटी की बात कर रहे हैं, मोलारिटी, ठीक है ना। अब ध्यान दो बच्चों, अभी मोलारिटी फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बताओ, कम ऑन, क्या होता है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट 2000 ओवर मोलर मास इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, एकदम से, एकदम से, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इन मास इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन एमएल, है ना, गिनता हूं, ये था हमारा, है ना, ये था, ओके। अब देखो क्या मैं ऐसे देता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1000 घटा देता हूँ और यहाँ पे देता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम लीटर, लिख सकता हूँ ना मैं यहाँ पे ऐसा, लिख सकते। क्वेश्चन में क्या दिया, अभी हम देखो अभी हम क्या फाइंड करें, अभी हम फाइंड करें मास क्या निकाल रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं हम, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं, ठीक है ना, मास ऑफ, ओके। अब देखो कैसे निकाल रहे, देखो क्वेश्चन में कितना दिया आपका, थ्री मोलर, कितना दिया आपको, थ्री मोलर दिया है, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे थ्री, हमें मास तो पता नहीं है, हमें मास ऑफ एनएसएल तो पता ही नहीं, हम वही तो फाइंड कर रहे हैं, वो सॉल्यूट है आपका, डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया 58.5, कितना आया 58.5 इनटू वॉल्यूम इन लीटर, है ना, ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं, है ना। अब देखो अब मैं करता हूँ इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 58.5, तो क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा मास ऑफ एनएसएल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये मुझे मिलेगा, है ना, इतना मुझे मिलेगा। अब देखो जब मैं 58.5 को मल्टीप्लाई करता 3 से, तो मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आएगा 175.5 ग्राम ऑफ एनएसएल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्या मैं समझ सकता हूँ, मतलब कि मैंने अभी मैंने क्या निकाला, मैंने क्या निकाला कि 1 लीटर के अंदर, अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, वॉल्यूम लीटर लिख दिया, इसका मतलब क्या, मेरे 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा 175.1, क्या मैंने, मैंने क्या मिल गया, इतना ग्राम मुझे मिल गया, क्या मुझे मिल गया, इतना ग्राम मुझे मिल गया, है ना, इतना ग्राम क्या मेरा एनएसएल, मतलब क्या आपका ये सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्यूट है, है ना, ये आपका सॉल्यूट है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो बच्चों, अभी हम आते हैं डेंसिटी के बारे में, हम किसकी बात कर रहे हैं, डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, डेंसिटी आपका 1. हाँ अब देखो, अच्छा बताओ
जब भी हम डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, डेंसिटी किसमें होता है? डेंसिटी होता है सोल्यूशन का। हमेशा ध्यान रखना बच्चा, डेंसिटी जब भी दिया हो किसका होगा? दिया होगा सोल्यूशन का डेंसिटी दिया हो। किसका दिया होगा? आपका सोल्यूशन का डेंसिटी दिया होगा। ओके, अब देखो, अब क्या बोला है पे? 1.25 ग्राम पर एमएल। इसका मतलब क्या? एक एमएल के अंदर कितना ग्राम होगा? 1.25। कितना होगा? 1.25 ग्राम होगा। वही मतलब है ना, 1.25 ग्राम पर एमएल। मतलब क्या? एक एमएल कितना होगा? इतना ग्राम होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1000 ml, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1000 ml, तो कितना ग्राम होगा बच्चों? आप बोलोगे 1.25 × 1000। इतना ग्राम होगा, है ना? इतना ग्राम होगा। अब देखो, जो जो हमारा 1000 ml है, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा हमारा 1 लीटर। क्या होगा? 1 लीटर। तो आप ये बोलोगे 1 लीटर के अंदर कितना ग्राम है, कितना ग्राम सॉल्यूशन है? आप बोलोगे 1250 ग्राम। ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका इतना ग्राम सॉल्यूशन इसमें है, है ना? इतना ग्राम है आपका, ये आपका सॉल्यूशन के अंदर। ओके, ये आपका सॉल्यूशन के अंदर। अभी हमें क्या निकालना है? अभी हमें निकालना, देखो हमारा ये वाला पार्ट, हमारा मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। क्या निकालना है? मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। अब देखो, एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बोलिए सर, फिर से एक्सप्लेन करो कि NaCl से। हाँ, अच्छा NaCl से, ठीक है, NaCl से, ठीक है। यस सर। ओके फाइन, मैंने क्या किया? मैंने NaCl का मास मैं निकाल दिया, उसका मॉलिक्यूलर मास मैं निकाल दिया, ठीक है ना? उसके बाद मैंने क्या किया? अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज दिया गया है। आप बोलोगे क्वेश्चन में हमें, आप बोलोगे हमने ये वाला पार्ट निकाल दिया, है ना? ये वाला पार्ट हमने यहाँ से निकाल दिया, ये तो कॉन्स्टेंट, 1000 तो कॉन्स्टेंट है, हमारे पास क्या चीज नहीं है? तो आप बोलोगे हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट नहीं है, और हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास नहीं दिया गया। अब देखो हमें दो चीज निकालनी है, है ना? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैंने क्या लिया, क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में आपका लिखा है, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया आपका? यहाँ पर दिया आपका 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl। क्या दिया आपका? 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl। यहाँ से मैंने क्या निकाला? मैंने यहाँ से मैंने मास ऑफ NaCl निकाला है। NaCl क्या है बच्चा? आप बोलोगे NaCl आपका क्या? आपका सोल्यूट है। क्या आपका? सोल्यूट है। तो मैंने क्या निकाला? मैंने ये निकाला कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूशन है? मैं निकाल दिया 170। कितने? मैंने 175 निकाला। कैसे निकाला? मैंने मोलरिटी का फॉर्मूला यूज किया। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब देखो मैंने एमएल लिखा क्योंकि मैंने हमें लीटर में चाहिए, इसलिए कितना मोलर दिया हमें क्वेश्चन के अंदर? आप बोलोगे 3 मोलर। कितने आपका दिया? आपका 3 मोलर दिया गया है, है ना? 3 मोलर दिया गया है। उसका मॉलिक्यूलर वेट हमने कितना निकाला? 58.5। क्या निकाला हमने? 58.5। हमारे पास क्या नहीं है? मास ऑफ NaCl नहीं है। तो मैंने क्या निकाला? मैंने मास ऑफ NaCl निकाल दिया। कैसे निकाला? इस मॉलिक्यूलर वेट को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा कितना ग्राम आया? मेरा इतना 175.5 ग्राम आया। क्या? 175 ग्राम ऑफ NaCl। क्या निकाला? मैंने मास निकाला। कितने लीटर में? 1 लीटर में कितना होगा मेरा? 175.5 ग्राम का मेरा NaCl है। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मैंने मास ऑफ सॉल्यूट निकाल दिया। तो मैंने क्या किया? ये वाला पार्ट मैंने निकाल दिया। अब क्या बचा? आप बोलोगे मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना बचा हुआ है, ये हम कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे ये हम निकालेंगे डेंसिटी से। कहाँ से निकालेंगे? डेंसिटी से निकालेंगे। अब देखो डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं? जब हम जो भी आपका डेंसिटी दिया होगा वो क्या होगा? आपका पूरा सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया होगा। कभी आपका सॉल्यूट सॉल्यूट इंडिविजुअल नहीं आता, आपको पूरा सॉल्यूशन का डेंसिटी आता है। हमने ये देखा कितना दिया आपका डेंसिटी? 1.25 ग्राम पर एमएल। मतलब कि 1 ml में कितना ग्राम होगा? 1.25 ग्राम होगा। तो 1000 ml में कितना होगा? आप बोलोगे 1250। कितना होगा? 1250 ग्राम दिया होगा, इतना ग्राम दिया गया होगा। 1000 ml मतलब कितना बच्चा? आप बोलोगे 1 लीटर। अब ये बोलोगे 1 लीटर में कितना ग्राम है आपका? आप बोलोगे 1250 ग्राम। किसका? ये आपका पूरा, ये पूरा फुल सोल्यूशन, ये आपका पूरा फुल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, फुल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब देखो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या मैं स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है? स्क्रीन में दिख रहा है प्रॉपरली बच्चा? यस सर। अब देखो अगर मैं बात करूं सोल्यूशन की, बात करो देखो जी, अभी देखो हमारा सोल्यूशन कैसे बनता है? हमारा
हाँ, हमारा सोल्यूशन कैसे बनता है? आप बोलोगे सॉल्यूट और सॉल्यूट सॉल्वेंट। प्लस सॉल्वेंट, है ना? है ना? अभी सॉल्वेंट देखो, अभी हमने सॉल्यूशन मास हमने कितना निकाला, 1250। तो मैं क्या लिखता हूँ, 1250 इक्वल टू, हमने मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकाला? आप बोलोगे 175.5। तो लिखा मैंने क्या, 175.5। मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। तो क्या करोगे, सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1250 माइनस 175.5। तो कितना आंसर आएगा बच्चा, निकालो फटाफट, कैलकुलेट करो। 1074। कितना रूल बोलता, 10 सर 1074.5। ओके, इतना ग्राम मुझे क्या मिला, इतना ग्राम मुझे सॉल्वेंट मिल गया। अब देखो, अभी हमारे पास जो हमारा मोलालिटी का फॉर्मूला है उसका सारा वैल्यू मिल गया। देखो, हमें मास ऑफ सॉल्ट, हमें क्या मिल गया, हमें मास ऑफ सॉल्ट मिल गया, 1000 तो पहले से था, हमें मोलर मास सॉल्ट मिल गया, हमें मास ऑफ सॉल्ट मिल गया। तो क्या कर सकते हैं, हम सारा वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या होगा, मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट, कितना निकला, 75.5। तो 175.5 हमने क्या निकाला, उसका मास ऑफ सॉल्ट निकाला, इनटू 1000 कर दिया, डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास कितना था, आप बोलोगे 58.5। कितना था, 58.5 था, इनटू, अभी हमने मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाला, सॉल्वेंट का मास इतना निकाला, तो 1074.5, है ना? अगर आप इसको सॉल्व करो, 1074.5 इनटू 1000 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 9, तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आ जाएगा 2.79 मोलालिटी, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये देखो, ये क्वेश्चन है सिंपल, ये क्वेश्चन है सिंपल, अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपको, आप डाउट में पड़ जाओगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पार्ट प्रॉपरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इजी है, लेकिन दो तीन प्रैक्टिस करो तभी आएगा। ये आपका एनसीईआरटी का एकदम लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल्स का, ठीक है ना? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रॉपरली करिए तभी आपको आएगा। तो बच्चा, ये पार्ट समझ में सभी को अच्छे से आया? जिन प्रॉपरली समझ में आया, कोई डाउट नहीं ना किसी को भी? देखो, अगेन बोल रहा हूँ, कल, अब देखो, अभी 2 दिन बचा, अभी हमारा चैप्टर खत्म होगा, ठीक है ना? अभी हम क्या करेंगे, कल और परसों जितना भी नीट का प्रीवियस क्वेश्चन होगा, हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे, और आप देखना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। और हाँ, मैं कल वापस आपको लिमिटेशन वापस थोड़ा समझा दूंगा, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है वापस, क्योंकि बच्चे लोगों को थोड़ा डाउट हो जाता है ना? और मैं चाहता हूँ जितने बच्चे यहाँ पर है, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, फॉर्मूला प्रॉपर रिवाइज करेंगे और इसको अच्छे से करके आएंगे, ठीक है ना? और हाँ, आई थिंक एक बच्चे को इम्प्रेकल फॉर्मूले में डाउट था, राइट? कौन बचा था, कौन था वो? जब प्लीज हैंड रेस करिए, बच्चा हैंड रेस करिए। चले गए क्या? हाँ, ओके ओके। तो जो इम्प्रेकल फॉर्मूला वाला पार्ट है वो भी मैं आपको कल प्रॉपरली बता दूँ। अभी देखो, जो 2 क्लास होगा पूरा हम क्या करेंगे, रिविजन करेंगे, उससे क्या होगा, हम जनरल स्टार्ट करेंगे स्टेट ऑफ मैटर। उसमें कौन सा, जो इनिशियल पार्ट होगा हम जल्दी स्किप करेंगे, जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है कंप्रेसिबिलिटी हम स्टार्ट करेंगे जल्दी, ठीक है ना? तो ये हमारा क्लास होगा। क्या सभी बच्चों को प्रॉपरली यार पार्ट समझ में आया, क्लास से मजा आ रहा है अच्छे से बच्चों? अच्छे से आ रहा है? ओके, जिन भी बच्चों को कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा, मुझे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो। और एक बात, अभी जैसे क्लास खत्म होता है तो मैं क्या आज का नोट सेंड कर दूंगा, उसके बाद एनसीईआरटी का सोल्यूशन और एग्जाम्पल का सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्यूशन अभी सेंड कर, जस्ट अभी मैं थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा, ठीक है? तो बच्चों जी, और हाँ, वापस कलम क्या करेंगे, कलम थोड़ा रिविजन करेंगे, किसका, लिमिटिंग रीजन का और इंपेरिकल फॉर्म, अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना? ओके, सो यस, अच्छे से रहिए, अच्छा अपना ख्याल रखिए, खाना खाइए, और मैं होप कर रहा हूँ आप सभी को क्लास से बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, बोर नहीं हो रहे ना बच्चे? चले चले, ठीक है ना? ओके, तो मैं अभी आपका रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना? मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ।